पे हम पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन पे और हम लैंड हो चुके हैं मनीला फिलीपींस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और हम ऑफिशियल इंटर हो चुके हैं फिलीपींस में। इमिग्रेशन प्रोसेस काफ़ी स्मूथ रहा, हमने बस पकड़ ली है और बस का बहुत ही अजीब और अजीब सिस्टम में बैठे हैं। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में और जैसा कि आप जानते हैं हम पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन पे मनीला इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और हम आए हैं फिलीपींस को एक्सप्लोर करने और अब मैंने आपको रिवील कर दिया हम फिलीपींस आए हैं और आप बताते हैं यहाँ के इमिग्रेशन के बारे में और आपको इमिग्रेशन का पूरा एक्सपीरियंस बताएंगे कि यहाँ पर इमिग्रेशन हमारे साथ क्या होता है। तो चलिए पहले इमिग्रेशन क्लियर करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। इमिग्रेशन के बताने से पहले आप कुछ लैंडिंग के शॉर्ट्स एंजॉय कीजिए, पहले वो शॉर्ट्स देखिए और फिर आप इमिग्रेशन के बारे में आपको बताता हूँ। मनीला की ओल्ड गाड़ी, यहाँ पे काफ़ी फेमस है गाड़ी फिलिपिनास, ये देखिए। तो बताइए दोस्तों कमेंट्स करके, कभी आप फिलीपींस आएँ तो आपका इमिग्रेशन कैसा रहा। और अभी तक तो मैंने खुद यूट्यूब पे इतने वीडियो देखे हैं तो नेगेटिव बातें ही ज़्यादा पता चली है यहाँ की। और देखते हैं हमारे साथ कैसे इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस होता है और तो अगर ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो इमिग्रेशन क्लियर हो ही जाएगा हमारा, पर अगर किस्मत बहुत ही ख़राब है तो फिर देखते हैं। तो चलिए 15:05 हो गए और 3:05 और आज हम रात को इस टाइम मनीला में नहीं करने वाले, आज हम क्लार्क सिटी जाएंगे, जिसे आप एंजेला सिटी बोलते हैं। एंजेला सिटी क्या है वो आप गूगल कर लेना, एंजेला सिटी शायद, यस एंजेला सिटी जाएंगे और आज की नाइट हम एंजेला सिटी में रुकेंगे और कल आएंगे मनीला को एक्सप्लोर करने। सिर्फ एक नाइट, वहाँ ज़्यादा कुछ है नहीं, वहाँ की नाइट लाइफ इन्जॉय करेंगे और कल वहाँ से वापस चेकआउट करके मनीला आ जाएंगे। तो एक अच्छी खबर है दोस्तों, बड़ी स्मूथली हमारी इंट्री हो चुकी है फिलीपींस में और हम ऑफिशियल इंटर हो चुके हैं फिलीपींस में। इमिग्रेशन प्रोसेस काफ़ी स्मूथ रहा, 2 मिनट में मेरा इमिग्रेशन क्लियर हो गया, कोई ज़्यादा सवाल नहीं पूछे, बस एक ही सवाल पूछा कितने दिन रुकोगे, बस दैट्स इट। तो कुछ लोगों के मैंने वीडियो देखेंगे बड़ा कठिन है, लेकिन मेरे से कुछ सवाल नहीं पूछा गया और 2 मिनट के अंदर ही मैं इंटर हो गया मनीला में फिलीपींस में और अब ऑफिशियली हम इंटर हो चुके हैं फिलीपींस में। तो चलिए अपने क्लार्क सिटी चलना है, एंजेलस सिटी, तो कैसे पहुँचते देखते पता करते हैं इन्फॉर्मेशन डेस्क से और चलते हैं एंजेलस सिटी। ये देखिए एयरपोर्ट का नज़ारा कुछ ऐसा है, ये अराइवल हॉल है, यहाँ पर देखिए हर जगह एक कियोस्क लगे हैं, फ्री सिम कार्ड दे रहे हैं। अब उसमें बैलेंस है कि नहीं है ये पता नहीं, अब बैलेंस कितना है क्या है, लेकिन लिखा है फ्री सिम कार्ड। चलिए पता करते हैं, हमारे पास तो ओनली है ऑलरेडी एयरटेल का इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट है, अभी उसमें डेटा है 700 MB और, तो अभी तो हम उसी को यूज़ करेंगे, फिर देखते हैं अगर वो डेटा ख़त्म होता है तो नई सिम लेते हैं। हमने बस पकड़ ली है और इस बस का फेयर है 380 पैसों, करीब 550 रुपये पड़ेंगे अपने को और 2 घंटे 35 मिनट लगाई ये बस हमें एंजेलस सिटी पहुँचाने के लिए, तो काफ़ी अच्छा है। और भी टर्मिनल 3 के बाहर ही मिल जाएगी आपको पार्किंग लॉट में, आपको कोई टैक्सी वैक्सी करने की ज़रूरत नहीं एंजेलस सिटी जाने के लिए। और एंजेलस सिटी में एक नाइट का स्टे काफ़ी है, एंजेलस सिटी में ऐसा कुछ है नहीं देखने के लिए। और अब मैं आपको बताता हूँ अपना इमिग्रेशन के बारे में,
तो बहुत ही स्मूथ इमिग्रेशन रहा, बहुत स्मूथ। मेरे से इवन सिर्फ उनने एक क्वेश्चन पूछा कि हाउ मेनी डे आर यू स्टेइंग हियर, तो मैंने बता दिया 3 नाइट्स मनीला, 3 नाइट्स सेबू, 3 नाइट्स सेबू। उसने कुछ भी नहीं बताया, मेरा सिंगापुर का वीज़ा चेक करा और यहाँ तक कि उन्होंने मेरी होटल बुकिंग तक चेक नहीं की और स्टैम मारा और यू गो। तो ऑफिशियली हम इंटर हो गए, मैंने आपको बता ही दिया था। और अब जा रहे हैं हम एंजेलस सिटी की तरफ, अब हमारी होटल जाते हैं और होटल जाके शावर आवर लेके फिर आपको एंजेलस सिटी की नाइट लाइफ एक्सप्लोर कराते हैं। तो जनाब आज आपको देखने के लिए मिलेगी एंजेलस सिटी की नाइट लाइफ। और ये देखिए बस का नज़ारा है कुछ, तो दोस्तों हमारी बस एयरपोर्ट से निकल चुकी है और देखिए हमारे पास में एक मोहतरमा आके बैठी है, तो अब इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू होगा थोड़ी देर में। और हमने हमारी टिकट ले लिए, 380 पैसों की आई है टिकट, टिकट दे दी उन्होंने, पैसे भी नहीं लिए, बोले पैसे भी नहीं बाद में लेंगे। मैंने तो सोचा ले ही मत भाई, टिकट दे दो बस। और हमें अभी एयरपोर्ट से निकले करीब 40 मिनट हो गए, हमने हार्डली 1 किलोमीटर का सफ़र तय किया ओनली। तो इतना ट्रैफिक है फिलीपींस के मनीला शहर में, इतना ट्रैफिक है, देखिए आप ट्रैफिक में बैठा, ये देखिए ट्रैफिक। बिल्कुल चीटी से भी स्लो चलते, अगर हमें पैदल आता एयरपोर्ट से तब इससे ज़्यादा डिस्टेंस तय कर लेता। अब जब तक हम सिटी से बाहर नहीं होंगे हमें ये सही ट्रैफिक मिलेगा, देखिए ट्रैफिक। बाप रे, सुना था कि मनीला में ट्रैफिक खूब जाम रहता है, तो आज देख भी लिया है, खूब ट्रैफिक है देखिए। अब चला है दोस्तों, अब एक्सप्रेस वे पर चढ़ी है हमारी गाड़ी, अभी टोल टैक्स निकला है एक्सप्रेस वे और ये एक्सप्रेस वे शुरू हो गया है और अब भनभनाहट चल रही गाड़ी। ये देखिए एक्सप्रेस वे का नज़ारा, बता रहा है 2.1 किलोमीटर। ये देखिए टैक्सी खड़ी है, टैक्सी में चलते हैं बैठ के और चलिए पूछते हैं इससे कितने बजे मिलेगा। आई हैव टू गो। तो दोस्तों अभी अंधेरे में यहाँ खड़े हैं और टैक्सी का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये देखिए ये है बस स्टॉप, ये SM सिटी प्लाज़ा इसे कहते हैं, SM सिटी प्लाज़ा, ये लास्ट स्टॉप है सिटी बस का, क्या जिस एयरपोर्ट से बस से हम आए हैं। और ये देखिए यहाँ के रोड का आसपास का नज़ारा देखिए, देखो भाई अंधेरे में तो कुछ दिखेगा नहीं, बहुत ही अजीब और गरीब रिक्शा में बैठे हैं ये देखिए। और ये रिक्शा से बाहर का नज़ारा देखिए, और ये बाइक रिक्शा है तो साइड में बैठाओ और आपको मोबाइल की टॉर्च भी जला के बताता हूँ। ये देखिए ये बैठे हैं हम, और ये देखिए रिक्शा का अजीब गरीब नज़ारा देखिए, ये देखिए छोटी सी रिक्शा है, ये देखिए ये हमारा लगेज रखा है हमारे पियर के पास, और ये बाहर से छोटी सी विंडो ये देखिए। अलग ही एक्सपीरियंस है भाई, बिल्कुल अलग ही देखिए। ये राइड का मज़ा देखिए, और भाई साहब राइड कर रहे हैं इधर से, ये देखिए भाई साहब राइड कर रहे हैं, ये गाड़ी चल रही है सब साहब। तो भाई चलते हैं होटल, होटल चल के आपसे मिलते हैं, अभी यहाँ इतनी जगह भी नहीं कि मैं वीडियो प्रॉपर बना पाऊँ, चलिए होटल चल के मिलते हैं।